वेलकम टू HJ News। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ News। 48 साल बाद भारतीय वायुसेना ने फिर तोड़ा पाकिस्तान का गुरूर। जी हाँ, इंडियन एयर स्ट्राइक। जब 48 साल पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो दो हिस्सों में बट गया है। अब एक बार फिर वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। 1971 की लड़ाई के बाद भारतीय वायुसेना ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर धावा बोला है। पाकिस्तान इस मुगालते में जी रहा है कि भारत ऐसा हरगिज नहीं करेगा। दरअसल पाकिस्तान एक झूठ के आधार पर भारत की शांति में आग लगा रहा था। वो अपनी ताकत को भारत के बराबर समझ बैठा। बार बार समझाने के बाद भी उसने अपनी सीमा नहीं समझी और 48 साल बाद वायुसेना को उसकी सीमा में दोबारा घुसना पड़ा। पाकिस्तान में पनाह पाने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले को निशाना बनाया। इस आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए, जिससे पूरा देश उबल पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलेआम हिसाब बराबर करने की चेतावनी दे दी। इसके बाद कल सवेरे आगरा और बरेली से 12 मिराज 2000 विमानों ने उड़ान भरी और वहीं ग्वालियर से हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट उड़े। 12 मिराज का बेड़ा एक साथ बालाकोट की ओर बढ़ रहा था। कोई 30 किलोमीटर तक चलने के बाद कुछ विमानों ने दिशा बदल ली और कुछ ही पलों में पाक अधिकृत कश्मीर की चकोटी, मुजफ्फराबाद और बालाकोट के आतंकी ठिकानों से आग निकल रही थी। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों को अपने आसमान में मंडराता हुआ देखा, लेकिन वो युद्ध काल था। अब शांति काल में पहली बार भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर हमला किया और ऐसे में हमला किया कि पाकिस्तान थर्रा उठा। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी वायुसेना के इस शौर्य को सलाम किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भारत ने 1971 के बाद पहली बार वायुसेना का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े हैं और चारों में उसने जीत हासिल की है, लेकिन 71 की लड़ाई हारने के बाद पाकिस्तान को भ्रम हो गया था कि उसने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। इसी पर्दे के पीछे वो आतंक के अड्डों को पालता रहा। पाकिस्तान को गुमान था कि भारत इस भ्रम को असलियत समझकर हमले से परहेज करता रहेगा, लेकिन 48 साल बाद एक हमले ने उसकी ताकत के मुगालते को धूल में मिला दिया। क्या कहना चाहेंगे आप, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ News।